आपके पाकशाला में आप सभी को स्वागत है। आज नई आइटम बढ़हर के अचार लेके आई हूँ आपके सामने। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या बढ़हर के अचार में मुझे चाहिए। तो मैं ले लिए हैं बढ़हर, ये बढ़हर है देखिए, इसको ले लिए हैं, ये 2.5 किलो बढ़हर है। उसके लिए चाहिए मुझे 200 ग्राम सरसों, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम मंगरेला, 10 ग्राम जवाइन, 50 ग्राम लाल मिर्च, 50 ग्राम हल्दी और सरसों का तेल, 200 ग्राम सरसों तेल और नमक स्वाद अनुसार। तो बढ़हर के मैं काट लेती हूँ इस तरह, देखिए मैं बढ़हर को धोकर रखी थी। ये देखिए ये बढ़हर है, ये इधर हमारे देश में मिलता है। ये देखिए इस तरह बढ़हर को काटना है। ये देखिए इस तरह बढ़हर को छोटा छोटा टुकड़ा करना है इस तरह के। इसी तरह मैं सारे बढ़हर को काट लूँगी। इसकी अचार बहुत अच्छी बनती है, बहुत लोग तो खाए भी नहीं है, लेकिन इस तरह बनाकर देखिए। ये देखिए इस तरह मैं बढ़हर को छोटा छोटा टुकड़े में मैं काट रही हूँ। ऐसे काटना है इसको। ये देखिए इस तरह जो मैं काट रही हूँ इसी तरह आप काट लें बढ़हर को। ये देखिए अभी ये बढ़हर जो है जो मैं काट लिया हूँ, काट के मैं रख लेती हूँ। अब मैं मसाला को पीस लेती हूँ। मसाला में जो खाली सरसों है इसी को मैं पीसूँ, कच्ची सरसों जो मैंने लिए हैं पीस लेती हूँ। ये मेरा पिसा गया है, सरसों के पीस लिए हैं हमने, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो जो पीस कर रखी थी इसको मैं डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह सारे सरसों को मैंने मिला लिया, हल्दी को भी मैं मिला लेती हूँ, मिर्ची पाउडर भी मैं मिला लेती हूँ, सौंफ को भी मिला लेती हूँ, अजवाइन मिला लेती हूँ, सारे चीज़ मिला लेती हूँ। ये सारे मसाले जितना मसाला है हमने लिए हैं, सारे मसाला कच्चा मसाला लिए हैं, कोई मसाला भुना हुआ नहीं है, क्योंकि ये इसमें सारे कच्चा मसाला पड़ता है। ये आम की तरह ये भी खट्टा होता है। ये देखिए ये नमक स्वाद अनुसार मैं मिला रही हूँ। तेल को भी मिला देती हूँ। मैं इसको हाथ से सान लेती हूँ। इस तरह मिलाते रहिए, इसको पूरी अच्छी तरह मिल जाना चाहिए मसाला को। ये देखिए मैं दोनों हाथ से मैं मिला रही हूँ इस तरह मिला लीजिए। फिर अचार को रख, पूरी तरह से जब मिल जाएगा तो फिर अचार को आप धूप में रखते जाइए। इसको 10 दिन तक धूप में रखिए, 10 दिन के बाद उसमें तेल छोड़ दीजिए। ये अचार पक के तैयार हो जाएगा, फिर खाने लायक ये अचार हो जाएगा। अभी अचार को 10 दिन तक मैं धूप में रखूँगी। ये देखिए मैं सारे मसाला को मैंने मिला लिया। देखिए अच्छी तरह सारे मसाला को मिला लिया, मिल गया मसाला। ये 10 दिन तक इसको धूप में रख दीजिए। इस अचार को हमने सारे मसाले को मिला लिए हैं, 10 दिन तक इसको धूप में रखना पड़ेगा। रख दीजिए किसी बुआम में करके रख दीजिए जार में, और ये इसको 10 दिन के बाद इसमें सरसों का तेल मिला दीजिए। इसी अचार ही खाने लायक तैयार हो जाएगा। इस तरह से अचार आप बनाइए और घर में अपना खाइए। और अगला वीडियो की इंतजार करिए। धन्यवाद।